क्या आप भी इंस्टाग्राम में किसी को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम में किसी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी फ्रेंड को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर देखिए अपने इंस्टाग्राम में अगर किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई भी हमें बार बार परेशान कर रहा है या फिर किसी की वीडियोज फोटोज या कोई भी कॉन्टेंट हमें पसंद नहीं आता, उसे हम ब्लॉक करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर हम चाहे उसे जब भी अनब्लॉक करना तो हम अनब्लॉक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों सेटिंग बता देता हूँ कि आप कैसे किसी को ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक किया है तो वो कहां पर मिलेंगे, उन्हें अनब्लॉक कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर आना है और यहां देखिए अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे देखिए आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फर्स्ट में देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, देन देखिए जैसे कि एग्जांपल पे आप जिस भी व्यक्ति को ब्लॉक करना चाहते हैं उसका यूजर नेम ऊपर से यहाँ देखिए आपको यहाँ पर मैसेंजर का आइकन मिलेगा, इस तरीके से शो करेगा, तो वहां से भी जाकर आप ओपन कर सकते हैं। वरना यहाँ देखिए नीचे सर्च आइकन है तो सर्च भी कर सकते हैं या फिर किसी तरीके से आपको उसकी प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए सामने ही हमें दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से उसकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है जिसको भी ब्लॉक करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर आपको थ्री बिंदु मिलेगा तो थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिपोर्ट और इसके नीचे सेकंड में आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में लिखा होगा ब्लॉक, नीचे लिखा होगा ब्लॉक एंड रिपोर्ट्स, तो मतलब ब्लॉक का मतलब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो बंदा यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। अगर उसे ब्लॉक करने के साथ साथ जानते हैं कि वो स्पैम आईडी है, कुछ गलत एक्टिविटी करता है, तो उसे हम यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसे हम ब्लॉक कर देते हैं। देखिए हम ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसका यूजर नेम लिखेगा, देन इन ब्लॉक्ड लिख के आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि ओ रणबीर फॉर यू एंड ब्लॉक, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ब्लॉक हो चुका है, यहीं से तुरंत आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं, वरना आपने इससे ब्लॉक करने के बाद आप हटा देंगे तो यह यहाँ से हट जाएगा। अगर फिर भी कभी आपने ब्लॉक किया और उस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं तो उसे कैसे हटाएंगे, इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले नीचे देखिए आपको एक आइकन मिलेगा, सिंपली वहां पर क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल को ओपन करेंगे, देन देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एज प्राइवेसी का, आप वहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ऊपर देखिए आपको एक सर्च बार का आइकन मिलता है, आप यहां पर सर्च बार में क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं, वरना नीचे चले जाएंगे तो देखिए आपको ब्लॉक्ड का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए मैंने 11 लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कितने लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ है और जिसे भी हटाना चाहते हैं क्लिक करेंगे। जैसे आप देखिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे बंदे आ जाएंगे जिन लोगों को आपने ब्लॉक किया होगा कभी ना कभी, तो उन्हें यहाँ से देखिए अनब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहीं से आप उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। देखिए अनब्लॉक पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बंदा यहाँ से अनब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि और भी मैंने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है तो उन पर यहाँ पर क्लिक करके साथ साथ उनके यहाँ पर यूजर नंबर भी आप क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन जिनको भी आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी यहाँ पर कोई भी फोटोज वीडियोज आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आप उन्हें अनब्लॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा और यूजर नेम के साथ यहाँ पर अनब्लॉक क्लिक कर देंगे, ओके।